मैं जगन्नाथ आप सबका स्वागत करता हूँ आज के तीसरे दिन के सेशन के लिए। आज का सेशन हमारे लिए और आप सब लोगों के लिए एक बेस्ट टू बेस्ट एक अमेजिंग होने वाला है। और ये सेशन का पूरा आप फायदा करके लेना है। मैं जो भी कुछ आज रहस्य में बोलने वाला हूँ वो आपके लाइफ के अंदर एक पूरे चेंजिंग होने वाले है। आपका लाइफ चेंजिंग होने के लिए ये एक सेशन है। इसमें हम कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं और सब्जन करना है। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके ड्रेस कंफर्ट हो और आप मैक्सिमली नीचे बैठकर इसको करना है। जैसे जैसे मैं कुछ यहाँ करूँगा वैसे आपको वहाँ करना है। और उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम पहले 10 मिनट हमारे पास अभी और 10 मिनट में आपके समय देता हूँ। कल के सेशन के संबंधित कुछ सवाल है तो मुझे पूछिए तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। इसको सवाल है तो खुद अनम्यूट हो जाइए और सवाल पूछिए। कुछ सवाल है तो नहीं तो हम सेशन शुरू करेंगे। हाँ सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, पूर्णांक बोलिए। को डिफाइन कर दीजिए। हाउ टू डिफाइन मीन्स पूर्णांक ने बताया, समझ में आया कि थोड़ा कन्फ्यूजन है कि पूर्णांक जिस नाड़ी में स्वर चल रहा है वही पूर्णांक कहलाएगा या कुछ और ही मतलब है आपका। द पूर्णांक जो शब्द इस्तेमाल करा आपने वो चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी जो भी चल रही है, जिस सूर्य चंद्र जो भी चल रहा है राइट, उसको पूर्णांक बोलेंगे या जो नहीं चल रही है उसको पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांग मतलब जो स्वर चल रहा है वो चंद्रनाड़ी का भी हो सकता है या सूर्यनाड़ी का भी हो सकता है। ठीक है, और जो पूर्णांग रिक्तांग मतलब जो स्वर नहीं चल रहा है वो। अभी फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल छोटा देता हुआ तो आपको समझ में आएगा। अगर जी हम बाथरूम के अंदर जा रहे हैं टॉयलेट के अंदर जा रहे हैं तो हमें कहा गया है कि उधर अंदर जाते वक्त रिक्तांग से जाना है। तभी आप देखने की जरूरत नहीं आपकी नाड़ी कौन सी है लेफ्ट लेग राइट लेग। एकता मतलब जो स्वर नहीं चल रहा है वो स्वर से आप अब जाओ और बाहर आते वक्त जो स्वर चालू है उससे आओ। समझ गए जो स्वर चालू लेफ्ट हो या राइट ऐसा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, छोटा सा सवाल इसी से संबंधित आपका, छोटा सा। आपने बोला कि बॉस से बात करते समय, मेरा नहीं बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ, बॉस से बात करते समय तो जैसे मेरा चंद्र नाड़ी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बॉस सामने खड़ा है, फ्रंट साइड में मेरे खड़ा है या बट ही इज रनिंग, अब मेरा चंद्र नाड़ी चल रहा है, तब तो उस अवस्था में आपने कल बताया कि आंखें नहीं देखनी, माथा देखना है या हाथों को देखना है, किसके तो किसको किसको देखना है। बॉस बॉस बीस हाँ बीस हाँ जॉब इस बॉस को देखने के लिए बात कह रहा हूँ। और उस समय व्हाट यू कॉल जो शरीर का स्थिति है, जो चंद्र नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी होगी लेफ्ट, अब बॉस सामने है तो हम जो लेफ्ट राइट या पोजीशन टिल्टिंग टुवर्ड्स डिग्री में कैसे पोजीशन करेंगे, मतलब हमारी पोजीशन बॉस के सामने कैसे होगी, हाउ टू डिफाइन दिस। नहीं हाँ थोड़ा आपका कंफ्यूजन होगा आपका। एक्चुअली चंद्र नाड़ी में हम डायरेक्ट आग से आग लगा कर उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऊर्जा की कमी है। तो अगर सूर्य नाड़ी है तभी उस टाइम और आप उससे आपको पता है कि मैं सूर्य तत्व का हूँ यानी सूर्य हमारे से ज्यादा ज्यादा चलती है। जी तभी आप उस टाइम उसको नजर नहीं देना नीचे देख सकते। और उस टाइम आपको आपका जो अंग है जी सूर्य नाड़ी का जो अंग है वो उसके जी पहले आपको सूर्य नाड़ी करके बैठनी है। सूर्य नाड़ी जब अंदर जाने वाले आपके बॉस के जी पास जाने वाले तो वहाँ पूरी की पूरी सूर्य नाड़ी एक्टिव करो और जाओ। और वो कैसे करना है वो आज आप सीखने वाले हैं। एक्टिव करने की ठीक कोशिश सब वो आज सीखने वाले हैं। और पूरा अंग देना है उसको और उससे बात करना है। लिखाई कर रहा है समझो तो उसके हाथ को आप कर सकते हैं या उधर ऊपर देख सकते हैं नीचे देख सकते हैं। तो वो आपको देखकर वो आपके आंखों जी में देखकर वो ऊर्जा लेगा। और बात जी आप नहीं देना है आप नहीं दे रहे वो खींच रहा है और आपका काम कर रहा है। आप रहे तो आपके पास हावी हो जाएगा। अगर जी अगर आपका ऊर्जा वो खुद ले रहा है उधर से देखकर आपके आंखों के अंदर या किधर देख रहा है उधर देखने के बाद में वो आपका काम करेगा। ये जी तो इसमें डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तो आप पर हावी होगा आपका काम नहीं करेगा। मगर आप उसको देखना नहीं पर उसने आपको देखना चाहिए आपके नजर के उधर उधर से देखकर वो ऊर्जा लेगा और आपका काम पहला कर देगा। जो भी कुछ आप बॉस के पास गए वही करते ही करते 100% इसका रिजल्ट है। 100% ये रिजल्ट में जो बोल रहा हूँ आपको 100% है। ये आप किधर भी अपनाओ इसको ये टेक्निक। जी
और किसका आज का मैंने चार पॉइंट नोट करा, सुबह 6:30 बजे का था मेरा सूर्य स्वर। नहीं वो कुत्ता लिख कर रखो पूरा, आप लिख कर रखे, इधर चर्चा मत करो, आप पूरा लिख कर रखो, आपका डेटाबेस होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक 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 है, थैंक यू। कुछ सवाल ही देखिए, थैंक यू। मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए सर। हम जब कुकिंग करते हैं तो वो कौन से स्वर में करना चाहिए? फैमिली के लिए खाना बनाते हैं तो कौन से स्वर में चाहिए? हाँ उस टाइम आप एक्टिव मोड में है ना, तो सूर्य स्वर में होना चाहिए। एक्टिव मोड आपका काम कर रहे हैं ना उधर, तो ये आपकी ऊर्जा से आप बनाएंगे ना, क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए बनाने के टाइम, तो उसके लिए आपको उस टाइम सूर्य स्वर चाहिए। वो होता ही है, आप जब प्यार से जब बनाते हैं ना, देखो ये ऐसे मैजिक है ना ये सूर्य, ये सूर्य विज्ञान। आप उधर अपना जब उसको क्या, मैंने एक वर्ड वहाँ यूज करता हूँ, आपका स्टेट ऑफ माइंड जैसे होता है ना वैसा आपका स्वर बदलता है। जैसे मैंने बताया ना, अगर एकदम रहस्यमय मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आपका ऑटोमेटिकली स्वर उधर चंद्र नाड़ी आने वाली। अगर एग्रेसिव ऐसा कुछ काम करना, फाइटिंग का काम हो, तो आपके अंदर आग आएगी ना, तो चंद्रनाड़ी में आग नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिक फायर आएगा, सूरज की शक्ति आ जाएगी और आपसे बात करेगा। पूछिए, दो सवाल होने चाहिए अभी। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए सर। जैसे कि पूर्णांक से मान लीजिए कि ये मेरा स्वर चलता है, ठीक है, राइट साइड का, तो ये पूर्णांक है, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूर्णांक से आपको कुछ भी काम करना है तो मेरे क्या? हेलो, हाँ बोलिए सर। पूर्णांक से हमें बुक लेना है, आपने बोला था। हेलो, हाँ हाँ। तो मुझे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि पूर्णांक से मतलब राइट साइड का स्वर मेरा चालू है, ठीक है, तो अभी बुक आपको उठाना है तो राइट साइड पूर्णांक मतलब जिस राइट साइड से चल रहा है स्वर, तो राइट हैंड का यूज करना है हमें उस टाइम, और राइट पाव का यूज करना है। बराबर है, अच्छा अच्छा सवाल है। देखो हमें पूर्णांग का अगर यूज करना है, पूर्णांग का है तो पूर्णांग अपना लेफ्ट हो या राइट हो, जैसे मैंने बताया ना पूर्णांग लेफ्ट हो राइट, ऐसा उसका स्वर का देखना नहीं है, मेरा लेफ्ट चल रहा है क्या राइट चल रहा है। उस टाइम जो चल रहा है जो भी चलने दो, लेफ्ट चलेगा राइट चल दो, वो आपका पूर्णांग है, उधर से करो। अभी आप बुक उठा रहे समझो, उस टाइम आपका लेफ्ट चल रहा है उधर, और या उधर पेन पेन लेना आपको इधर से, तो आप इस अंग से उसको पेन को उठाओ और इस हाथ में दे दो। मैंने कल भी उदाहरण आपको दिया, अगर समझो अभी काम करते करते हमारा समझो काम हो गया, कल कोई तो थी वो लिफ्ट ही थे लिखने के समय, और इस टाइम मेरा पूर्णांग नहीं, अभी पूर्णांग इधर चालू हो गया, तब ये पेन आपको इधर दो, इधर रोक दो, अभी हो गया अपना, अभी इधर तक अभी तक पूर्णांग था, अभी मुझे बाहर जाना है, इधर जाना है, तो अब उस टाइम देखो स्टार्टिंग में 15 दिन मैंने क्या आपको बताया, अभी स्टार्टिंग में आज समझो मंदिर जाना है आपको, आप शनिचर मंदिर जा रहे हैं आपको जाना है, तो आप उस टाइम देखो मत मेरी, अभी चंद्र नाड़ी है सूर्य नाड़ी है नजदीक काम के लिए, ऐसा जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पूर्णांग देखना है, वहाँ उधर भी पूर्णांग में जाना है, मंदिर के अंदर पूर्णांग जाना है, बाहर भी पूर्णांग से आना है, उस टाइम चंद्र नाड़ी का भी पूर्णांग हो सकता है, सूर्य नाड़ी का हो सकता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाइए, जो सोच चल रहा है वही याद रखो पूर्णांग है, जो नहीं चल रहा है वो रिक्तांग है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। दूसरा क्वेश्चन ये था सर। हेलो, हाँ बोलिए ना सर। जैसे एटीएम में से हमने पैसा निकाला तो लेफ्ट हैंड से हमने लिया पैसा, तो उसके बाद राइट हैंड में रख सकते हैं या डायरेक्ट लेफ्ट हैंड से ही जेब में रखना है? ऐसा नहीं ना, लेना है मेन पहला पोजीशन वही है ना, मैंने अभी पूर्णांग का क्या बताया, जो भी कुछ लिया है पहले लेंगे, ऐसा लिया आपने पेन लिया और ये हाथ में दे दिया, लेने का काम जो है ना पहला चंद्र, बाद में आप किधर भी रखो, कौन से भी हाथ से रखो, कौन सी साइड में रो भी रखो, लेफ्ट में रहो राइट में कोई बात नहीं, पर लेने का जो पहला पद्धत है ना पहला वो हाथ होना चाहिए, पूर्णांग का होना चाहिए। नेक्स्ट सर, एक छोटा सा सवाल सेम। नॉर्थ पे जो पैसा लेना है देना है वो कहते हैं कि सीधे हाथ से लेना चाहिए, सीधे हाथ में देना चाहिए। आपने कल नोटबुक में लिखा था कि जो पैसा लेना है वो लेफ्ट हैंड से लेना है, राइट से देना है, ये आपने बताया था, मैं नोट रूम ध्यान से। और नॉर्थ में इधर नॉर्थ में जो हमने बुजुर्ग बताए आज तक, वो बोले कि सीधे हाथ से पैसा लो और सीधे हाथ से दो, उल्टे हाथ से पैसा लेने का नॉर्थ में रिवाज नहीं है, मगर आपने राइटिंग में लिखा था कि लेफ्ट हैंड में पैसा लेना है और दुकानदार को देना है, तो पैसे जो दुकानदार की जो
जमीन है या थल्ला है, थल्ला मीन्स द शो फ्रंट एंड है, वहाँ रखो बजाय उसके हाथ में देने के। यहाँ पर नॉर्थ में जो मैक्सिमम लोग हैं दुकानदार के हाथ में दे देना कि उसके जो शॉपकीपर की जो जगह स्थान है उसमें नहीं रखते हैं। तो पैसे का जो ट्रांजेक्शन है लेने का और दुकानदार को देने का, दो पॉइंट क्लियर कर लें। ये पॉइंट दो क्लियर, मैंने वीडियो बना भी है दिया है आपको, है शायद मेरे यूट्यूब पर मैंने बताया। तो ये थोड़ी सी गलत फहमी है बहुत जगह पर, कुछ समझ में आता है। जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया था, घर के बाहर जा रही दुल्हन जा रही, तो हमको पता है कि शुभ पैर, शुभ पैर मतलब ये राइट वाला समझे, वैसा नहीं है। तो थोड़े क्या हो गया, गलत फहमी आगे 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 आने के बाद वो लोगों को समझ में नहीं आ गया, सौर विज्ञान थोड़े लोग भूल गए पीछे पीछे पीछे। तो इतना याद रखो, हमारा ये जो हाथ है लेफ्ट हैंड हो, वो अपना वो लेने वाला है और ये देने वाला है। आपको अभी ये कभी भी आपके लाइफ के अंदर आप थोड़ा सा वापस पीछे जाएंगे तो आप ढूंढेंगे उसका उत्तर, तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा। क्योंकि ये जो चंद्र नाड़ी होती है वो लेने वाली होती है, उधर स्टोर है। यानी अभी भी कभी भी आपको पैसा देना है, देना भी है, तो आप लेफ्ट हैंड से नहीं देना है, राइट हैंड से ही देना है। आपको राइट हैंड से पैसा देना है, लेना है आपको तो लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, क्योंकि ये लेने वाली उधर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। आप दोनों भी करते रहेंगे, ऐसा ही करते रहेंगे ना, तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपको अभी पैसों को हमको खुद को मैग्नेट होना है, पैसे को मैग्नेट। अभी अभी भविष्य में मेरा एक प्रोग्राम आने वाला है, अभी दो दिन का प्रोग्राम, उसमें आप 100% ज्वाइन होना है सब लोग। मैं स्पेशल आपके लिए सब लोग के लिए ला रहा हूँ, मनी मैग्नेटिज्म का एक प्रोग्राम है, कैसे पैसे आपके पास आएंगे उसी दिन से आपके पास कैसे फ्लो चालू होता है, देखो उस तरह जैसा। तो इतना याद रखो कि ये हमारे लिए देने का काम है, ये लेने का। और मैंने एक वीडियो के अंदर बताया, तो वो वापस मैं आज बताऊंगा सब लोग के लिए, शायद लोगों ने देखा ही नहीं देखा, मुझे पता नहीं। अभी हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर ट्रांजेक्शन होता है। ये मेरा लास्ट है प्रश्न, बाद में बाकी के सवाल। हाँ अभी एक सूचना देकर रखता हूँ, अभी मैं ले लास्ट आपका सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, और एक अच्छा एक टेक्निक मैं बता देता हूँ जो मेरे वीडियो के अंदर भी है। मैंने आप लोगों को अभी एक मेरे बड़े ग्रुप के अंदर ज्वाइन किया है, अभी कल से आपके जो भी कुछ प्रश्न है, जो भी कुछ प्रश्न है उधर लिख कर भेज दीजिए, उसके अंदर हमारे बहुत महान विद्यार्थी भी है, उधर आपके प्रश्नों के उत्तर जवाब देने वाले हैं। क्योंकि आज का जो जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज कल हमारा ग्रुप के अंदर बहुत सारी उसके ऊपर चर्चा भी होने वाली है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। हाँ तो अभी ये देखो, ये पैसे के संबंध तो सब लोग का है, पैसे सब लोग को चाहिए, और वो क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को पैसा नहीं होता और पैसा निकल जाता है, स्टोर नहीं रहता। तो ये क्या होता है कि इसका जो प्रॉब्लम है ना, वो खुद है, हम खुद है। ये हमारे बारे में भी ऐसा स्टार्टिंग में होता था, पैसा रुकता ही नहीं था। पर अगर अभी हमको जो ये टेक्निक मुझे पता चला हमारे, तो हमारे पास पैसा स्टोरेज हो रहा है, यानी ऑटोमेटिक हम ऑटो रन पर गए, और ऊपर से ईश्वर वजह से हम मनी मैग्नेट हो गए, तो ऑटोमेटिकली किचन चला आ रहा है, किधर से भी आता है पैसा भी करके हमारे पास आता है। तो ये आपके बारे में हो सकता है, तो सिर्फ आपको ये रूल को फॉलो करना है, कौन से, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, ये जो हमें रूल आपको दे रहा हूँ ना, वही रूल को से फॉलो करना है। अब ये उदाहरण के लिए पता, तो जैसे हम अब सब लोग दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास हम जाते हैं, तो ऐसा ही दुकानदार ऐसा होता है कि हम उसके ऊपर डेली जाते हैं, और वो जो व्यक्ति है, जो गुजराती मारवाड़ी कोने जो भी है, वो जो व्यक्ति है वो आपको कभी कभी ज़्यादा रेट ले रहा है, ऐसा आपको फंसा भी रहा है, ऐसा आपको लग रहा है ये बराबर रेट नहीं लग रहा है ऐसा, तो भी आप बार बार उसके पास ही जाते हैं। और उसके पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हम उसके पास जाने के बाद में कुछ चीज़ें लेते हैं, तो वो क्या करता है, अपना जो पैसा जो होता है ना, वो कभी राइट हैंड से नहीं लेता, वो कभी भी लेफ्ट हैंड से लेगा। अब ऑब्जर्व करो, अभी आपने जो प्रश्न पूछा ना, आप उनको ऑब्जर्व करो, जो गुजरात मारवाड़ी लोग होते ना, वो राइट हैंड से कभी पैसा नहीं लेंगे, वो लेफ्ट हैंड से ही लेंगे। और जब पैसा देने की बारी आती है ना, वो आपके हाथ में कभी पैसा देंगे नहीं, वो नीचे रख देंगे, कभी बोलो आपका हाथ में देंगे नहीं। और लकीली कोई तो ज़्यादा भीड़ है तभी देंगे, वो कभी 100 में से शायद एक दो बार होगी, पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम हो नीचे देंगे। और वो आप नीचे रखते हो पैसे, आप ले लेते और लेके जाते हैं, और ये आप वापस वो क्रिया करने के लिए आते हैं। क्या ऐसा क्यों होता है, अगर वो व्यक्ति जो दुकानदार है, अगर वो व्यक्ति आपके हाथों में पैसा देता, तो आपका और उसका व्यवहार खत्म होता, खत्म हो गया, आप दूसरे दुकानदार के पास जा सकते। मगर वो ऊर्जा रुकी हुई है उधर, वो लोग रुका के रखते हैं, इन लोगों को टेक्निक पता है, इन लोगों को सिखाया है वो बचपन से ही, हमें पच्चीस सिखाए नहीं है, ये उत्तर में या नीचे दक्षिण में पूर्व में, पर इन लोगों को परफेक्टली सिखाया है, इन लोगों को उनके पास, इसलिए उनका बिजनेस कैसा ग्रो हो रहा है, हमको ये पता है ना, हमको गलत सिखाया, हमको क्या पता है कि ऐसा नहीं करना है, ये ऐसा करना है। थोड़ी
टोटली वो गलत बात है। जब से हमने ये टेक्निक्स यूज करने लगे तो वो फ्लो ऑटोमेटिकली हमारे पास आने लगा है। और अगर आपको पैसा, हाँ वो लोगों का ऐसा होता है, आपको हमें सिखाया जाता है नीचे गिरा हुआ पैसा कभी उठाने का नहीं, किसी का ऐसा नहीं करना है पैसा उठाने का। पैसा मिला है ना आपको, आपके पास एनर्जी आ रही है ना, आपको उठाना है पैसा। इसके बारे में बताऊंगा, वो डीपली वो साइंस है आपके पास, क्योंकि हम सब गलत करते हैं, हमको पता ही नहीं, इसलिए पैसा आपसे भागते है। आपको मनी का अट्रैक्ट होना है, मनी का मैग्नेट होना है हमें, हम गलत काम करते हैं। इसलिए दुकान वो जो सब्जी वाला है 5-10 रुपए जो बेच रहे बेचने वाली सब्जी है, उधर जाके हम भाव तोल मोल करेंगे, मगर उसको हम पैसा नहीं देते एक्स्ट्रा, 5 रुपए 10 रुपए नहीं, उधर तोल मोल करेंगे। 20 रुपए किलो समझो टमाटर है तो भी बोलेंगे नहीं 15 को दो 10 किलो, वही हम मॉल में जाएंगे तो 25 रुपए किलो, तो हम 25 रुपए 20 पैसा है तो 20 पैसा भी देंगे उसको, तो ऊपर का सब पैसा देंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपको पूरा का पूरा मनी को अट्रैक्ट करना है तो उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, हम अपना सेशन शुरू करते हैं।